फ्रेंड्स नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेबी मूवमेंट कब से स्टार्ट करता है, बेबी मूवमेंट कब से करना स्टार्ट करता है, बेबी गर्ल कब से करती है, बेबी बॉय कब से करता है। मेरी प्रेगनेंसी में मैं दो बार प्रेग्नेंट हुई थी, तो दोनों बार मेरी प्रेगनेंसी में कब कब मूवमेंट हुआ था और क्या कहा जाता है और क्या होता है, गर्ल कब मूवमेंट करती है, बॉय कब मूवमेंट करता है, तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दें, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेगनेंट है, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि बेबी मूवमेंट कब से स्टार्ट कर देता है। तो जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, अगर आप फर्स्ट बार प्रेग्नेंट हो, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होगा कि कब सेकंड ट्राइमेस्टर आए और कब मैं बेबी मूवमेंट कब मुझे समझ आएगा, कब समझ आएगा। तो इतनी आसानी से नहीं समझ आता है, अगर आप फर्स्ट बार माँ बन रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है आपको समझने में, क्योंकि अब आपका जो गर्भाशय है वो टाइट रहता है, आपका सर्विक्स टाइट रहता है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपका पेट का जो त्वचा रहता है वो टाइट रहता है, तो समझ नहीं आता है इतना जल्दी। ऐसे बेबी मूवमेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी होता है, लेकिन आपको नहीं पता चलता है, क्योंकि उस टाइम पे बेबी का आकार काफ़ी छोटा होता है। अगर बेबी हिलता डुलता है तो आपको कुछ समझ नहीं आता है। वहीं पे अगर आप सेकेंड बार प्रेग्नेंट है, तो वो हल्का सा भी बेबी मूवमेंट करता है तो आपको पता चल जाता है। सेम सिचुएशंस मेरे साथ हुई थी कि मैं जब प्रेग्नेंट थी फर्स्ट बार, तो मुझे जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो नहीं पता चलता, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में था कि कब सेकंड ट्राइमेस्टर आए तो मुझे बेबी का मूवमेंट पता चलेगा। सारे बोलते थे कि हाँ सेकंड ट्राइमेस्टर में तुमको बेबी का मूवमेंट समझ आ जाएगा, तो मैं वेट कर रही थी कि कब सेकंड ट्राइमेस्टर आए तो मुझे बेबी का मूवमेंट पता चलेगा। और जैसे ही सेकंड ट्राइमेस्टर आया, तो 4 मंथ से बेबी का मूवमेंट, मतलब मैं वेट कर रही थी, 4 मंथ हुआ, 5 मंथ हुआ, 6 मंथ हुआ, अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मैं अपने घर में मतलब किसी का फ़ोन आता था, कैसी हो, क्या हो, तो करके कि बेबी मूवमेंट कर रहा है, तो हाँ मूवमेंट कर रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था बेबी क्या मूवमेंट कर रहा है, कैसे। उस समय एक्चुअली में प्रॉब्लम्स ये भी था मेरे साथ कि बेबी का मूवमेंट कम समझ आने का मतलब ये था कि बेबी बहुत ज़्यादा वीक था, मेरा ग्रोथ नहीं हुआ था, तो इसलिए भी बेबी का मूवमेंट मुझे कम समझ आता था। क्योंकि फर्स्ट बार मैंने बेबी गर्ल कंसीव किया था, बोला जाता है कि बेबी गर्ल लेट मूवमेंट किया था मेरा, क्योंकि एक तो उसका ग्रोथ कम था, सेकेंड चीज़ ये था कि बेबी मतलब मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी था, तो कहा भी जाता है फर्स्ट प्रेगनेंसी में लेट मूवमेंट पता चलता है, तो इसलिए भी मुझे मूवमेंट नहीं समझ आता था। मुझे 5 मंथ तक मुझे मूवमेंट नहीं समझ आया, 5 मंथ के एंड में जाते जाते मुझे मूवमेंट हल्का सा मतलब थोड़ा बहुत फील होता था, बहुत ज़्यादा नहीं। और क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि बेबी का वेट कम था, बेबी का प्रॉब्लम था, पानी का लेवल सही नहीं था, खून का कमी था, तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम था फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो मेरे, तो इसलिए भी मूवमेंट ज़्यादा नहीं समझ आता था। और सेकंड प्रेगनेंसी जैसे मैंने इसको जब मैंने कंसीव किया था, तो ये मेरा बेबी बॉय, ये मेरा बेबी बॉय है, तो मुझे ये भी जल्दी पता नहीं चला था, ये भी मुझे 5 मंथ के इंडिविंग में ही पता चला था। आपको कि कहा भी जाता है कि बेबी बॉय लेट मूवमेंट करता है, तो हाँ ये मुझे 5 मंथ के एंड में पता चला है, मतलब बेबी गर्ल और बेबी बॉय मुझे दोनों सेम टाइम पे पता चला एंड से, तो बहुत ज़्यादा ही मुझे समझ आता था, मतलब ऑल टाइम लगेगा कि हाँ मतलब बेबी राउंड राउंड घूम ही रहा है, कभी यहाँ हाथ मारना, कभी यहाँ पैर मारना, बहुत ज़्यादा ही मूवमेंट करता था। और जब मैं किसी को टच करवाती थी, तो वो भाग जाता था, एक जगह से दूसरी जगह भाग जाता था, वो फील ही अलग होता है। अगर आपका बेबी मूवमेंट कर रहा है, तो आप समझ रहे होंगे कि वो फीलिंग कितनी अच्छी होती है, जो अभी हम लोग फील नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस टाइम पे बहुत अच्छा फील होता है जब बेबी मूवमेंट करता है। और लास्ट में तो बहुत ही ज़्यादा होता है, जब 7 मंथ लास्ट ट्राइमेस्टर में तो बेबी मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, बेबी बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने लगता है लास्ट ट्राइमेस्टर। जैसे डिलीवरी का टाइम आता है, तो बेबी उस टाइम पे मूवमेंट कम कर देता है, उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं
पता चलेगा, क्योंकि बेबी का जो हेड है वो फिक्स हो जाता है सर्विक्स एरिया में डिलीवरी के लिए। तो आप समझ रहे होंगे कि बेबी मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि इससे आप अंदाज़ा 100% श्योर नहीं हो सकते हैं। बेबी बॉय मूवमेंट जल्दी करता है, बेबी गर्ल मूवमेंट लेट करती है। तो इसमें मतलब बेबी बॉय जो है लेट से मूवमेंट करता है, बेबी गर्ल जल्दी मूवमेंट करती है। तो इससे आप श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि हर एक प्रेगनेंसी में सिचुएशंस डिपेंड करता है, सिचुएशंस अलग अलग हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये सबकी प्रेगनेंसी का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। तो कभी कुछ किसी प्रॉब्लम की वजह से मूवमेंट लेट हो सकता है। तो आप इसको नहीं बता सकते हैं कि आपको बॉय ही होगा या फिर आपको गर्ल ही होगी, क्योंकि हर एक की प्रेगनेंसी अलग होती है, हर एक की सिचुएशंस अलग होती हैं। तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रही होंगी। और बेबी बॉय के टाइम पे आपको अधिकतर लेट ही मूवमेंट समझ आता है, क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर में भी बेबी बेबी मूवमेंट कम कर देता है, क्योंकि डिलीवरी होने वाली होती है। डिलीवरी के टाइम पे सर्विस के अंदर हेड फिक्स हो जाता है, पूरा राउंड नहीं घूम पाता, इसलिए आपको मूवमेंट कम समझ आता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ही पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरो ब्यूटीफुल कॉर्नर को, और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट आती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।